तो ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स को अपनी जॉयस्टिक को लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि जॉयस्टिक की साइज़ क्या रखनी चाहिए, जॉयस्टिक की परफेक्ट प्लेसमेंट कैसे करनी होती है, तीनों लेआउट में से हमें कौन सा लेआउट यूज़ करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक पर आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि ये वाले वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज़ मैटर करती है, अरे जॉयस्टिक की आप लोग क्या समझ रहे थे, साले सबके सब बिगड़ते जा रहे हैं। तो आप में से कई लोगों को लगता है बड़ी जॉयस्टिक से एक्यूरेसी अच्छी होती है और छोटी जॉयस्टिक से जिगल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिगल और एक्यूरेसी में साइज़ का कुछ लेना देना ही नहीं है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वाले क्लिप देखो, जिसमें हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, जिसमें लेफ्ट वाली साइड में जॉयस्टिक की साइज़ 50 है और राइट वाली साइड में जॉयस्टिक की साइज़ 250 है। अब खुद ही देख लो दोनों में से कौन से जॉयस्टिक से फास्ट प्रिंट होती है। तो समझ गए, साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर करता है स्टेमिना। ये कुछ ज़्यादा ही होगा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे जॉयस्टिक का साइज़ लोग अपने हिसाब से रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिवाइस। अगर किसी के डिवाइस की साइज़ स्मॉल है तो उसे जॉयस्टिक की साइज़ बड़ी रखनी पड़ेगी, लेकिन देयर आर मैनी प्लेयर्स लाइक पैराबॉय, पंक और भी कई सारे जो कि बिग जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है जिगल, लेकिन जिगल का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फुल डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो जॉयस्टिक की साइज़ क्या रखनी है वो तो आप लोग समझ गए, लेकिन कौन सा लेआउट यूज़ करना चाहिए उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो गेम में तीन लेआउट है और उन तीनों लेआउट का डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब सभी लेआउट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले लेआउट की बात करें तो इस वाले लेआउट में आपकी 50% स्क्रीन ओनली जॉयस्टिक के लिए वर्क करेगी, मतलब स्क्रीन के जॉयस्टिक वाले पार्ट में आप कहीं भी टच करोगे तो जॉयस्टिक ऑटोमेटिक वर्क करेगी और राइट साइड आपके दूसरे कंट्रोल्स रहेंगे, मतलब कि फर्स्ट वाले लेआउट में आपकी जॉयस्टिक मूवेबल रहेगी और बाकी कंट्रोल फिक्स रहेंगे। अभी बात करते हैं सेकंड लेआउट की, दैट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, बट इस वाले लेआउट में आपका फायर बटन भी मूवेबल रहेगा, क्योंकि गेम डेवलपर्स का ऐसा मानना है कि आपको अगर फायर और एम एक ही बटन से करना है तो सेकंड वाला लेआउट यूज़ करो, बट इन मॉडर्न एरा मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जायरोस्कोप यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से सेकंड लेआउट बहुत ही गिने चुने लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि एम और फायर दोनों ही एक बटन से कंट्रोल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अभी बात करते हैं थर्ड लेआउट की, जो कि ऑलमोस्ट सभी ओल्ड प्लेयर्स यूज़ करते हैं, बट वाई दे आर यूजिंग थर्ड लेआउट इंस्टेड ऑफ अदर्स, क्योंकि इस वाले लेआउट में आपका कोई भी बटन मूवेबल नहीं होता है लाइक फर्स्ट एंड सेकंड वन, आपके सभी बटन फिक्स रहेंगे चाहे आपकी जॉयस्टिक हो या फायर बटन। लेकिन अगर आपकी जॉयस्टिक प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट जगह पर है तो आपको थर्ड लेआउट ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को भी नहीं पता जॉयस्टिक की परफेक्ट प्लेसमेंट कैसे करनी होती है जिससे आपका कैरेक्टर कभी स्टक ना हो, तो चलो वो भी सिखा देता हूँ। तो जॉयस्टिक की परफेक्ट प्लेसमेंट के लिए आपको फ्रीली आपका थंब स्क्रीन पर रखना है और देखना है नेचुरली आपका थंब स्क्रीन के किस हिस्से में रहता है। जिस भी हिस्से में आपका थंब रहे आपको अपनी जॉयस्टिक वहाँ प्लेस करनी है, ईजी। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप दैट आपको जॉयस्टिक की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।